गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, पीएससी, बैंक, आईबीपीएस, रेलवे, तो भौतिक विज्ञान में ध्वनि का चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ध्वनि पर क्वेश्चन बनते हैं और ध्वनि के चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन आते ही। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भौतिक विज्ञान का जो ध्वनि चैप्टर है, इसको विस्तृत चर्चा की है हमने इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार ध्वनि पर जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चन किस बेस के आधार पर ध्वनि चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इजी एंड क्रेजी एजुकेटर कंप्लीट स्टडी सेंटर हमारा यूट्यूब चैनल है और इस पे सभी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए, ताकि जो वीडियोस हमारे अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप तैयारी को बेहतर तरीके से कर सके। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ध्वनि में, ध्वनि की डेफिनेशन पे। डेफिनेशन जो ध्वनि की आती है बहुत ही ईजी है, और आपको बता दे कि किसी भी यांत्रिक तरंगों को, जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उन तरंगों को या उनकी अनुभूति हमें कानों से होती है, उन्हें ही हम ध्वनि तरंगे कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देखिए ध्वनि की। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है या उनकी अनुभूति हमें कानों से होती है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार की तरंगों को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि में जो क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो है कई बार कि ध्वनि किस प्रकार की तरंगे है। तो आपको याद रखना है कि ध्वनि जो है यांत्रिक तरंगे है जो निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ध्वनि का वेग और प्रकाश के वेग में क्या अंतर है। तो आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि का जो वेग होता है प्रकाश के वेग से कम होता है। यही कारण है कि जब बादलों में तड़ित होता है या बिजली चमकती है तो चमकने के कुछ देर बाद हमको गड़गड़ाहट की आवाज या ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो कुछ देर बाद वो इसलिए सुनाई पड़ती है क्योंकि ध्वनि का जो वेग होता है उसे प्रकाश की तुलना में कम होता है, तो हम तक पहुंचने में उसे कुछ समय लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट है चमगादड़। 20 लाख हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं। चमगादड़ जो होते हैं 20 लाख हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकते हैं, जिस ध्वनि को पराश्रव्य तरंगे भी कहते हैं, और ये जो होते हैं उड़ते समय इसी प्रकार की तरंगों को छोड़ते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि चमगादड़ जो है रात के समय रात्रि में भ्रमण करते हैं और इन्हें जो है रात्रि में अपनी बाधाओं का जो ज्ञान होता है ये ध्वनि तरंगों से या पराश्रव्य तरंगों से ही होता है। ये क्या है, 20,000 हर्ट्ज की तरंगों को छोड़ते हैं, और अगर मार्ग में कोई बाधा है तो तरंगे रिफ्लेक्ट होकर उन तक पहुंच जाती है, जिससे चमगादड़ को ज्ञान हो जाता है कि उसके मार्ग में कोई शिकार या बाधा है। ध्वनि तरंगों का उपयोग चिकित्सा, समुद्र की गहराई का पता लगाने भी किया जाता है। ध्वनि तरंगों का जो उपयोग है, कई बार क्वेश्चन इस पे भी बनता है, तो इसका जो उपयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में और समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है। ध्वनि का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा चैप्टर है वो ध्वनि की तीव्रता। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ध्वनि की तीव्रता पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता को पहले हम समझेंगे कि ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत रखे एकांक माध्यम में प्रति सेकंड जाने वाली ऊर्जा को ही ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। मीन्स ध्वनि संचरण, जैसे ये ध्वनि का संचरण हो रहा है, चित्र में आपको दिखाया गया है कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है लंबवत एकांक माध्यम में। इस माध्यम में प्रति सेकंड ध्वनि का जितना संचरण होने में ऊर्जा का जो व्यय हो रहा है उसे ही हम ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, और इसकी जो इकाई है वो डेसिबल है। ध्वनि की इकाई को डेसिबल
से मापा जाता है, ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए, कई बार ये भी क्वेश्चंस ध्वनि में बनता है कि डेसिबल किसकी इकाई है, तो आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि की जो मापन की इकाई है वो डेसिबल है। सामान्य बात में ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो 65 डेसिबल होती है। अगर भीड़ भाड़ या ट्रैफिक वाले स्थानों पर हम ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो वो 70 डेसिबल तक होती है। वही अगर ऑर्केस्ट्रा की ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो 120 डेसिबल होती है। सायरन की ध्वनि की तीव्रता की अगर हम बात करें तो 110 डेसिबल होती है। वही जेट विमान की अगर हम तीव्रता की बात करें तो 140 डेसिबल तक इसकी ध्वनि की तीव्रता होती है। और मिसाइलों की ध्वनि की तीव्रता की अगर हम बात करें तो 180 डेसिबल तक मिसाइलों की ध्वनि की तीव्रता होती है। तो फ्रेंड्स कई बार ध्वनि की तीव्रता में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है और इन पॉइंट पे ध्यान देना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुर। ध्वनि के चैप्टर में इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार, जो सुर होता है उसे सुर क्या होता है। तो आपको बता दें कि सुर की जो डेफिनेशन है, सुर स्वर ध्वनि का समूह जिसमें ध्वनि की तीव्रता के अंतर को समझा जा सके सुर कहलाता है। सुर स्वर मतलब ऐसा स्वर जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, उनका समूह जिसमें ध्वनि की तीव्रता के अंतर को समझा जा सके सुर कहलाता है। तो सुर की जो डेफिनेशन है, ध्वनि की तीव्रता के अंतर को समझना ही सुर है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं, और प्रतिध्वनि वो है जब ध्वनि किसी अवरोध से टकराकर वापस लौटती है। जब ध्वनि जो है किसी अवरोध से टकराकर वापस लौट आती है, और ये वापस लौटी हुई ध्वनि जब हमें सुनाई पड़ती है तो इस प्रकार की ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर आप प्रतिध्वनि को देख लीजिए। प्रतिध्वनि का अर्थ है ध्वनि किसी अवरोध से टकराकर वापस आएगी, और वो ध्वनि जो हमें सुनाई देगी वो प्रतिध्वनि होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। फ्रेंड्स इस पर भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि लाउड स्पीकर क्या है, प्रतिध्वनि क्या होती है, सुर क्या होता है। तो आपको इन तीनों की डेफिनेशन याद रखना चाहिए कि जो लाउड स्पीकर होता है वह ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, और प्रतिध्वनि किसी माध्यम से टकराने के बाद वापस पुनः आने वाली ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये था सुर, प्रतिध्वनि और लाउड स्पीकर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम ध्वनि में टेप रिकॉर्डर और ध्वनि की चाल। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है ध्वनि के चैप्टर में। तो फ्रेंड्स है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर की अगर हम बात करें तो टेप रिकॉर्डर ऐसी युक्ति है जो ध्वनि का अभिलेख एवं पुनरुत्पादन दोनों ही करने में सक्षम है। अभिलेख का मतलब है ध्वनि को ऐसे के ऐसे पढ़ लेना या वैसे के वैसे उसको पुनः बता देना या पुनः उत्पन्न कर देना। ये दोनों ही करने की युक्ति जो है वो टेप रिकॉर्डर है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेप रिकॉर्डर किस युक्ति पे काम करता है या किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपको याद होना चाहिए कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो टेप रिकॉर्डर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल। अब फ्रेंड्स ध्वनि की चाल पॉइंट से ही हमारे दिमाग में कई प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं कि ध्वनि कैसे चलती है, क्या किस माध्यम में कैसे चलेगी। तो आपको बता दें कि ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है, और इनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स अगर जहां माध्यम नहीं है तो वहां ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है। अब इन अनुदैर्ध्य तरंगों के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, मीन्स आपका जो माध्यम है ध्वनि का वो कैसा है उस माध्यम पर निर्भर करेगी कि ध्वनि की चाल क्या होगी। तो आपको बता दें कि सघन या ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, द्रव माध्यम में ध्वनि की चाल कम होती है, और वहीं गैस माध्यम में द्रव की तुलना में भी ध्वनि की चाल और कम होती है। तो आपको एक बार पुनः बता दें कि ध्वनि की जो चाल होती है सघन माध्यम में या ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में कम,
और केस में सबसे कम होती है। ध्वनि की तरंगों की चाल माध्यम की प्रत्यास्था एवं घनत्व पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ध्वनि की जो तरंगे है उनकी जो चाल होती है वो माध्यम की प्रत्यास्था एवं माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है कि आपका माध्यम सघन है, द्रव है, ठोस है, गैस है, कौन सा माध्यम है और उसकी प्रत्यास्था क्या है, उसका घनत्व क्या है, उस के अकॉर्डिंग ध्वनि की चाल होगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।